कौन हो तुम? क्यों मारना चाहते हो मुझे? प्लीज, मुझे क्यों मारना चाहते हो? 10 जून 2005, सुंदर नगर, इंस्पेक्टर कृष्णकांत। लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? वो औरत मेरी माँ थी। माँ, आज मैं अपने मंजिल की एक सीढ़ी और चढ़ गया। मुझे आशीर्वाद दे माँ कि मैं जल्द से जल्द अपना बदला पूरा कर सकूं। अरे मेरे जान, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। अरे मेरी जान, माँ का आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है, उस जन्म देने वाली माँ का भी और इस माँ का भी, जिसने तुझे इस लायक बनाया कि तू अपनी माँ के दूध का कर चुका सके। जुग जुग जियो, भगवान तेरी रक्षा करे। इस कामयाबी को हम लोग आज एक जश्न के रूप में मनाएंगे। जश्न के रूप में। माँ, बस अब अगले कुत्ते की बारी। लेकिन थोड़ा सतर्क होके बेटा, क्योंकि पुलिस अब बहुत सतर्क हो गई है। तुझे थोड़ी सावधानी से काम करना होगा, क्योंकि आए दिन न्यूज में बताया जा रहा है कि किसी सीरियल किलर ने आतंक मचा रखा है। माँ, तेरा आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे पगले, क्या सोचता है? माँ का आशीर्वाद तो तेरे साथ हमेशा ही रहेगा, जब तक तू अपनी माँ के खून का कर्ज नहीं चुका देता, तुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं तुझे कुछ होने ही नहीं दूंगी।
दुश्मन? कौन? लेकिन जो कोई भी है एक ना एक दिन हमारे सामने आ ही जाएगा और उसके बाद मैं उसे ऐसी मौत दूंगा कि कोई भी हमारे सामने आंख उठाने की जरूरत नहीं करेगा। लेकिन कौन है ये जो हमारे आदमियों को टारगेट कर रहा है? हो सकता है वो कोई हमारा कॉम्पिटिटर हो जो हमारे आदमी को मारकर हमें कमजोर करना चाहता है। नहीं बॉस, नहीं, वो हमारा कॉम्पिटिटर हो ही नहीं सकता। अगर हमारा कॉम्पिटिटर होता तो हमारे आदमियों को गोली से मारता, ना कि किसी अलग हथियार से। अबे मारा है? अबे कालिये थोड़ी तो शर्म कर। अबे कुचल के मारा है, कुचल के। कुछ भी हो, हमारा दुश्मन बहुत ही स्याणा है। मुझे वो हरामी किसी भी कीमत पर चाहिए। एनी हाउ, तुम लोग समझे कि नहीं? समझ गए। एक एक करके सबको मारूंगा और अंत में शैतान कुमार के मनाऊंगा जीत का जश्न। इस दरिंदे के खून से खेलूंगा खून की होली और इसके मरे हुए शरीर पे करूंगा तांडव। हे मां, मुझे शक्ति दो, शक्ति दो मां। दोनों डेड बॉडीज के बॉडी पे एक ही तरह के चोट के निशान हैं। इससे एक बात तो क्लियर है कि मारने के लिए हथियार जो यूज हुआ है वो सेम है, और हो सकता है कि हथियार सेम हो तो मारने वाला हाथ भी सेम हो। बाकी बातें तो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आने के बाद ही क्लियर होंगी। अरुण जी सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स की क्या स्टेटस है? सर मैंने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में फोन कर दिया है, रिपोर्ट कुछ देर में आती ही होगी। ओके गुड, थोड़ा जल्दी करो। जी सर। चलो हेलो हेलो। हाँ कौन? नहीं पहचाने क्या? ए कौन बोल रही है तू? और तुझे नंबर किसने दिया? अब नंबर देने वाला तो भगवान को प्यारा हो गया, देखो ना, और मुझे इस नशे की लत लगा गया और खुद भगवान को प्यारा हो गया। मेरी दोनों तलब पूरी करता था, नशे की भी और जिस्म की भी। उसी ने कहा था कि जब मैं कहीं चला जाऊं तो ये मेरा दोस्त तुम्हारी जरूरत को पूरी करेगा। अब तुम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, तो मैं किसी और को बोल दूंगी। नशा तो हो जाएगा लेकिन ये कम वक्त जवानी, इसका मैं क्या करूंगी। चलो कोई नहीं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। मैं हूँ। अरे अरे तेरा नाम क्या है? अरे कम से कम नाम तो बता ना। गौरी। अरे कितना सुंदर नाम है तेरा, तो तू कितनी सुंदर होगी। रुक रुक मैं करता हूँ कुछ इंतजाम, और तेरा तो जरूर करूंगा मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके 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 ओके। अरे अरे दया, आज तो जबरदस्त जुगाड़ हत्थे लग गई। वाह मेरे दोस्त शेरा वाह, तूने मरने से पहले कितना जबरदस्त काम किया है, कितना पुण्य का काम किया है। तुझे स्वर्ग ही मिलेगा शेरा, स्वर्ग। वाह क्या आवाज थी उसकी, क्या नाम था उसका, गौरी। हाय क्या जवानी थी। लेकिन यहां से निकलूंगा कैसे? अगर बॉस को पता चला तो मुझे जान से मार देगा।
दया, कुछ तो तिगड़म करना पड़ेगा यहां से निकलने का। हमारे दो आदमियों की मौत के बाद हमारे ड्रग्स के धंधे में कमी आ गई है, इसलिए हमें कुछ नए लड़कों की जरूरत है। तू टेंशन मत ले, मैंने रफीक को बोल दिया है कुछ लड़के तैयार करने के लिए। लेकिन राघवन, हम नए लड़कों को इस ड्रग के धंधे में नहीं उतार सकते। काम कर, पुराने लड़कों को ये धंधे में लगा और नए लड़कों को हम नए धंधे में लगा देंगे। नहीं त्यागी, हमें ड्रग्स के धंधे के लिए नए लड़के ही चाहिए, इसी में हमारा फायदा है। नए लड़कों में हमारा क्या फायदा होगा? सुनो त्यागी, नए लड़के जोशीले होते हैं, वो अपने मालिक को खुश करने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। और दूसरा फायदा ये है, कोई हमारा कॉम्पिटिटर हमारे आदमियों को मारता है तो हम नए लड़कों पर रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अपने पुराने आदमी नहीं छोड़ सकते। वाह, तेरा कमीना दिमाग। लव यू। शुक्रिया। अरे मालिक। मालिक। अबे क्या हुआ? हमारा एक आदमी और मर गया क्या? नहीं मालिक, नहीं। अबे क्या माल पकड़ा गया? अरे नहीं मालिक, नहीं। अबे तो तेरी बीवी भाग गई क्या? अरे नहीं मालिक। तो फिर रो क्यों रहा है, क्या हुआ? अरे मालिक, वो क्या है, मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है मालिक, और मुझे उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है मालिक, मुझे घर जल्दी जाना है मालिक, मैं जाऊँ मालिक। माँ? माँ बीमार है? जा बेटा जा, कुछ पैसों की जरूरत होगी ना तो इसको बोलना इसको। हाँ? नहीं नहीं मालिक, आपका दिया बहुत कुछ है मेरे पास मालिक, बस मुझे अभी जाना है मालिक, जाना है। ठीक है जा। ठीक है मालिक, थैंक यू मालिक, थैंक यू। माँ बीमार है? माँ 4 महीने पहले मर गई थी, अब बीमार? अब चूतिया वाला आ गया बे। वाह मम्मी वाह, आप ऊपर बैठे बैठे मेरा कितना काम चला देती हो। बहुत बदबू आ रही है, कपड़े चेंज करना होगा, लेकिन पहले आइटम को कॉल तो कर लूं। इसी के फोन का इंतजार था। बहुत देर कर दी फोन करने में। अरे कितना माल चाहिए? जितना भी माल है लेते आओ। 3 बजे हाईवे के पीछे जो खंडर है ना, उसी में। हाँ जल्दी आना, बदन टूट रहा है। हाँ हाँ मैं पहुंच जाऊंगा। मम्मी मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ मम्मी, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ दया, ऐसे रो क्यों रहे हो तुम? मम्मी की तबीयत खराब है। चलो हम चलते नहीं, हैं नहीं, नहीं, अरे चलो हम भी चलते हैं। नहीं नहीं मैं चला जाऊंगा, मैं लेके चला जाऊंगा। टकले क्या है ये, कुछ दाल में काला लग रहा है। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए, जरा अंग से अंग निखार लूं। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, मुझे नजर ना लगे। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना के लिए। Thank you.
चश्मे बद्दू, किसी की नजर ना लगे। चलो अब वक्त आ चुका है सबसे बदला लेने का। पुराना वाला बंगलो तो यही है। अरे चम्मा चिल्लो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है फोन लगाता हूँ, है कहाँ। हाँ? अरे चम्मा चलो तू है कहाँ। मैं अपने अड्डे पे हूँ। अरे मैं भी अपने अड्डे पर हूँ। अरे खंडर के पीछे। अब मुझसे इंतजार नहीं होता, तू है कहाँ बता। अरे बोली ना खंडर के पीछे। अच्छा खंडर के पीछे। हाँ। आओ। ए, तो मजा आएगा। अरे गौरी, अरे कहाँ है मेरी जान, मैं आ गया। अरे खंडर के पीछे आ गया गौरी, तू है कहाँ। हाथ कितना चिकना है, तो ये कितनी चिकनी होगी। मैं आता हूँ मेरी जान, मैं आता हूँ। अरे गौरी, अरे गौरी कहाँ हो तुम, क्यों तड़पा रही हो मुझे। हा? अरे मेरी जान कहाँ भाग रही हो। अरे आ रहा हूँ मेरी जान। अरे कहाँ है मेरी चम्मक छल्लो। शायद इधर होगी। गौरी, अरे गौरी कहाँ हो तुम। यार गौरी क्यों परेशान कर रही हो मुझे। क्या यार गौरी कितना तड़पाओगी यार, अब तो आ जाओ मेरी बाहों में। अबे अबे साले तू तो हिजड़ा है। तुझे क्या लगा। हाँ तो खाली पीली टाइम पास करने के लिए बुलाया मुझे यहां पर। रुक, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। तू अपनी खैर मना, तेरे जीने के वादे पड़े हैं। तू मेरा क्या उखाड़ेगा। अबे साले हिजड़े। चलू है।
भाग भाई दया, यहां तो लेने के देने पड़ गए।